गजल के लिए या खासतौर से बुलाया गया है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ और देखना चाहती हूँ ये पंक्तियां उन लोगों के लिए है जो इस समय प्रेम की स्थिति में, यानी जो नौजवान है और जो भूतपूर्व नौजवान है, उन सभी को मैं समर्पित करती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। हालांकि मुझे दीपक ने कहा था कि सैन समाज में कोई भी भूतपूर्व नहीं है, सभी अभूतपूर्व है। देखो इस समय इस पूरे पंडाल में कोई प्रेम में नहीं है सिवाय भागी चाचा के। बिल्कुल ये तो बात है। और मैं प्रणाम करती हूँ आप सभी को, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। नौजवान पीढ़ी के लिए भी मैं ईश्वर से क्या कामना करती हूँ। ईश्वर जब हमें अपना आशीर्वाद दे तो किस तरीके से दे। एक लाडली बेटी कैसे प्रार्थना कर सकती है, मैं निवेदित करती हूँ, सुनेगा। फूल खुशबू न कोई ख्वाब नजारा लिखना। हम ईश्वर से अपने तरह की कामयाबी मांगते हैं, कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई सुख समृद्धि मांगता है। मैंने ईश्वर से क्या मांगा है वो सुनिए कि फूल खुशबू न कोई ख्वाब नजारा लिखना। आसमान में यूं तो बहुत सितारे चमकते हैं, लेकिन एक सितारा जिसे ध्रुव तारा कहते हैं, जिसकी अलग पहचान होती है, अलग रोशनी होती है, इसको ध्यान में रखिए। और मेरी पंक्तियां के फूल खुशबू न कोई ख्वाब नजारा लिखना। फूल खुशबू ना कोई ख्वाब नजारा लिखना। फूल खुशबू ना कोई ख्वाब नजारा लिखना। मेरी ख्वाहिश है मेरा नाम सितारा लिखना। मेरी ख्वाहिश है मेरा नाम सितारा लिखना। फूल खुशबू ना कोई ख्वाब नजारा लिखना। और ये शेर उनके लिए जो प्रेम की स्थिति में है या जिन्होंने कभी प्रेम किया होगा। वैसे तो कुछ होश नहीं रहता है, कुछ ध्यान नहीं रहता है, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता है। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुनेगा। कि फूल खुशबू ना कोई ख्वाब नजारा लिखना। अब तो बेहतर है कि मैं हाथ कटा दूं अपने। अब तो बेहतर है कि मैं हाथ कटा दूं अपने। अब तो बेहतर है कि मैं हाथ कटा दूं अपने। उसने लिखा है कि अब खत न दोबारा। बजानिए तो एक बार जोर से बजाए ताकि मुझे भी लगे आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। प्रणाम निवेदित करती हूँ कि अब तो बेहतर है कि मैं हाथ कटा दूं अपने। अब तो बेहतर है कि मैं हाथ कटा दूं अपने। उसने लिखा है कि अब खत न दोबारा लिखना। फूल खुशबू न कोई ख्वाब नजारा लिखना। और युवा पीढ़ी होने के नाते हम अपने देश के लिए क्या कामना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो दुख में हैं, अगर उनके हिस्से का 1% भी दुख हम बांटने में सक्षम है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि फूल खुशबू न कोई ख्वाब नजारा लिखना। जितने तूफान है लिख दे मेरी कश्ती के लिए। जितने तूफान है लिख दे मेरी कश्ती के लिए। जितने तूफान है लिख दे मेरी कश्ती के लिए। मेरी किस्मत में किसी रोज किनारा लिखना। मेरी किस्मत में किसी रोज किनारा लिखना। फूल खुशबू ना कोई ख्वाब नजारा लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ मैं जो गजल मुझे खास तौर से मैं मातृशक्ति के लिए लिखती हूँ, क्योंकि एक लड़की हूँ इसलिए मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं मातृशक्ति के बारे में बातें कहूँ। हम आए दिन अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा सुनते रहते हैं, कभी किसी का बलात्कार हो गया, कभी किसी के साथ छेड़छाड़ हो गई, कभी मनचलों ने कुछ कर दिया। लेकिन ऐसे में लड़कियों को सशक्त होने की बहुत जरूरत है, सबसे पहली बात ये। और मैं जो गजल आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ, इसमें मैंने कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश की है। अगर आपको लगे कि इस मंच की सबसे छोटी कवियत्री ने सच में कोई बात कहने की कोशिश की है, तो एक एक पंडाल में मौजूद शख्स का हाथ तालियों के रूप में मुझे आशीर्वाद दे। मैं पढ़ती हूँ, सुन। कि रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ।
चाहे लड़की चाहे तो क्या कर सकती है, मैं पंक्तियां पढ़ते सुनेगा। पारिवारिक लोग बैठे हैं, कविता वही जो परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ बैठकर, भाई बहन के साथ और बेटा अपनी माता के साथ बैठकर सुन सके, मैं इसमें विश्वास रखती हूँ। मैं कविता पढ़ते सुनेगा कि रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ, रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ, रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ, तू अगर साथ हो तलवार पे चल सकती हूँ, तू अगर साथ हो तलवार पे चल सकती हूँ, रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ। और शेर खास तौर से प्रस्तुत करती हूँ कि मुझको हाथों की लकीरों पे भरोसा कब है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने जो हमारे नसीब में लिख दिया वही हमें मिलेगा, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या पता मेहनत करने से मिलेगा, ऐसा किस्मत में लिखा हो। तब मैंने पंक्तियां कहने की कोशिश की है कि मुझको हाथों की लकीरों पे भरोसा कब है, मुझको हाथों की लकीरों पे भरोसा कब है, मुझको हाथों की लकीरों पे भरोसा कब है, जिस घड़ी चाहूं मैं तकदीर बदल सकती हूँ, जिस घड़ी चाहूं मैं तकदीर बदल सकती हूँ, रुक जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ। और इन दो पंक्तियों में मैंने एक बात कहने की कोशिश की है, वो दौर याद कीजिए जब माता सीता को भगवान श्री राम के साथ वनवास पे जाने का एक ऑप्शन था, और वो चाहती तो महलों में रहकर सुख भोग सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने चुना वो रास्ता जो पति के साथ, भले ही दुख भरा क्यों ना हो लेकिन अपने पति के साथ रहना उन्होंने स्वीकार किया। तब मैंने कहने की कोशिश की, अगर आपको लगे कि सच में कोई बात अच्छी कह दी है तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा, कि रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ, मुझको दौलत की या शोहरत की नहीं है ख्वाहिश, मुझको दौलत की या शोहरत की नहीं है ख्वाहिश, मुझको दौलत की या शोहरत की नहीं है ख्वाहिश, मैं तेरे साथ गरीबी में भी पल सकती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। मैं तेरे साथ पल सकती हूँ। मुझे पता है बागी चाचा को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होगा जब आप कह रहे हो दौलत वोलत की जरूरत नहीं है, इनका लिफाफा रख लो आज, ये तो गरीब में भी जी सकती है, इनकी पेमेंट काट लो आज। नहीं बिल्कुल, ऐसे जो इतने अच्छे सुनने वाले लोग हैं, अगर वहां पर पेमेंट ना भी दी जाए तो मुझे कोई मलाल नहीं है। आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं, इतने मन से सुन रहे हैं, बहुत कम कवि सम्मेलनों में ऐसे श्रोता हमें देखने को मिलते हैं जहां इतने मन से सुना जाता है। प्रणाम करती हूँ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ सुनेगा। अभी बोल देना कि नींद तो मन से पूछ जाएगी। ये दीपक को मैं चुप कर दूं, ये बोलता ही रहेगा, इसकी बहुत गंदी आदत है बीच बीच में बोलने की। अगर आप कहें तो मैं चार पंक्तियां इसको सौंप के इसको चुप कर दूं, ये पता नहीं बीच में क्या क्या बोलता रहता, अभी तो बताया इसकी शादी के लिए। तो मैं इसे कह दूं कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, इधर बुनते हैं एक सपना उधर वो टूट जाता है, इधर बुनते हैं एक सपना उधर वो टूट जाता है, और मोहब्बत कहने सुनने में बहुत आसान लगती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। इसमें मैं गाऊं? मेरा लेना देना ही नहीं इस लाइन से। बिल्कुल तेरा लेना देना तो मैं बहुत अच्छे से मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और बहुत अच्छा संचालन दीपक करता है। अभी हमें दीपक को सुनना है, उसके बाद यूसुफ दादा को सुनना है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा कि रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ, मुझको दौलत की या शोहरत की नहीं है ख्वाहिश, मुझको दौलत की या शोहरत की नहीं है ख्वाहिश, मैं तेरे साथ गरीबी में भी पल सकती हूँ, रुक जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ। और जब युवा पीढ़ियों पर बहुत सारे व्यंग कसे जाते हैं
मैं पढ़ती हूँ, इसमें ताली बजाने के लिए नहीं गाऊंगी, अगर आपको लगता है तो अपना आशीर्वाद मुझे पहुंचाइएगा मुझ तक। पढ़ती हूँ कि हौसला मेरा विरोधी ये हवा क्या जाने, हौसला मेरा विरोधी ये हवा क्या जाने, मैं वो कश्ती हूँ जो तूफान को निगल सकती हूँ, मैं वो कश्ती हूँ जो तूफान को निगल सकती हूँ, रुक जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ। और अंतिम पंक्तियां मेरी मातृशक्ति को समर्पित करती हूँ कि आज के दौरे तरक्की में भी खुशबू में तो, आज के दौरे तरक्की में भी खुशबू में तो, मरियम और सीता के किरदार में ढल सकती।